रिसेंटली कुछ न्यूज में सुना होगा कि रिपब्लिक टीवी के ऊपर किसी प्रकार का फाइन लगाया गया है यूके के द्वारा। यूके के अंदर जो रेगुलेटर है जिसका नाम है ऑफकॉम, उन्होंने करीब 20,000 पाउंड का, पाउंड इक्वल्स टू है करीब 100 रुपीस के आसपास, तो 20 लाख का करीब आप कह सकते हो कि ये फाइन अर्णव गोस्वामी के चैनल पर लगाया गया है। और यहाँ पर मेन रीजन बताया गया है कि पाकिस्तानी पीपल के खिलाफ यहाँ पर हेट स्पीच बोला गया था पिछले साल अपने प्रोग्राम के अंदर। चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान तो पाकिस्तान क्यों है परेशान? क्या चांद के बाद पीओके में तिरंगा लहराने जा रहा है हिंदुस्तान? कि जब भारत चांद तक पहुंच सकता है तो लाहौर पहुंचने में तो एक मिनट भी नहीं लगेगा। कि जो चांद तक पहुंच सकता है उसके लिए इस्लामाबाद भी पहुंच सकता है। ये जो डिस्कशन था, आपका पूरा प्रोग्राम था, इसमें यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत का चंद्रयान मिशन। अगर आपको याद हो पिछले साल भारत का जो चंद्रयान मिशन है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसी प्रोग्राम के बीच में पाकिस्तान का भी जिक्र आ जाता है। पाकिस्तान सिर्फ अपने झंडे में चांद बनाता रहा और हम दो बार चांद तक पहुंच गए, लेकिन ये पाकिस्तानी क्यों रो रहे हैं? और हम चंद्रयान भेज रहे हैं, तुम आतंकी भेज रहे हो। तुम्हारी जितनी औकात है तुम वही काम तो करोगे, हम वैज्ञानिक बनाते हैं, तुम आतंकी बनाते हो। अर्णब, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं पहले तो आपकी एक बात से डिसएग्री करता हूं। आपने बोला कि इंडिया साइंटिस्ट बनाता है, पाकिस्तान टेररिस्ट बनाता है। अर्णब, ये लोग भी साइंटिस्ट बनाते हैं लेकिन इनके साइंटिस्ट ही टेररिस्ट होते हैं। और पूरा अर्णब, ये दहशतगर्दों का मुल्क है, ये इनके साइंटिस्ट क्या, डॉक्टर क्या, इनके नेता पॉलिटिशियन सबके सब दहशतगर्द हैं, इनके स्पोर्ट्स वाले भी, पूरा मुल्क ही टेररिस्ट है ये। मुझे तो नहीं लगता इसमें से कोई बच पाया है। बच्चा बच्चा आतंकी है, बच्चा बच्चा आतंकी है। यहाँ पर जो ऑफकॉम है, मैं सिर्फ ऑफकॉम के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक लार्जर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से भारत के अंदर साइंटिस्ट दिए जाते हैं लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान वहां पर टेररिज्म और इस तरह की चीजें निकाली जाती है। मतलब कि इस पूरे प्रोग्राम में यहाँ पर जो पाकिस्तानी पीपल है उनके खिलाफ हेट स्पीच फैलाने की कोशिश की गई। मैं पाकिस्तान की हकीकत बताता हूँ इनको, इन पाकिस्तानियों को, कि ये गधे का एक्सपोर्ट करते हैं और बंदर की तरह चीन के सैटेलाइट पे बैठ के सैर करके वापस आ रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है, ये झूठे लोग हैं, अपने कौम के साथ मक्कारी करते हैं ये लोग। पाकिस्तान जो शब्द है वो दुनिया भर में गाली बन गया है अर्णब, जो गधों का देश है पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑफकॉम के द्वारा बोला गया है कि फिल्दी वर्ड का काफी इस्तेमाल किया गया है कंप्लेनेंट्स के द्वारा। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं और उसमें जिक्र किया गया है कि जो पूरा प्रोग्राम है वो काफी फिल्दी रहा है, यहाँ पर हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है। डैडी मम्मी हमें कश्मीर चाहिए, नहीं मिलेगा कश्मीर, रोते रहो बेटा, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, दो बड़े मुक्के देंगे तुमको, कश्मीर नहीं देंगे, धो डालेंगे, कश्मीर नहीं देंगे, ठोक देंगे। हम जो करना चाहते हैं वो हम कर देते हैं। तुम्हें पीटना चाहते हैं तो बालाकोट में जाकर हमने पीटा, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, तुम्हारे इलाके में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, जगह में घुस के मारेंगे। अब यहाँ पर रिपब्लिक भारत का क्या कहना है इन सभी चीजों को लेकर, तो जब ये पूरी सुनवाई चल रही थी पिछले एक साल से, तो रिपब्लिक भारत को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई थी ताकि वो भी अपने केस को प्रेजेंट कर सके। और यहाँ पर रिपब्लिक भारत ने यहाँ पर जब वो रेगुलेटर के पास गए तो एक तरह से उन्होंने एक्नॉलेज किया इस चीज को कि हमें मिस जजमेंट हुआ है। प्लस यहाँ पर रिपब्लिक भारत ने ये कहा कि 20,000 का जो हमें फाइन लगाया गया है, 20,000 पाउंड का, ये हमें थ्रेटन कर देगा हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए। और इनका ये कहना था कि हमें बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले हैं, यहाँ पर चैनल शट भी हो सकता है अगर इतना बड़ा फाइन लगाया जाता है। आप ही बता दीजिए हमें क्या करें, रोए। लेकिन जो ऑफकॉम है, जो रेगुलेटर है, उन्होंने सभी आर्ग्यूमेंट्स को दरकिनार कर दिया और कहा कि यहाँ पर जो भी हम जजमेंट लेते हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखकर नहीं लेते हैं, यहाँ पर आपका जो तर्क है वो गलत है, आपने एक तरह से हेट्रेड फैलाने की कोशिश की है और इसीलिए यहाँ पर ये फाइन लगाया जा रहा है। झूठी खबरों से सच को मारने वालों का हिसाब हो गया है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फाइन तो लगाया ही गया है 20,000 पाउंड का, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रोग्राम को आप रिपीट नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। प्लस यहाँ पर जो ऑफकॉम रेगुलेटर है वो एक स्टेटमेंट देगा जो कि ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा रिपब्लिक भारत को, मतलब कि अपने चैनल पर इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा रेगुलेटर के द्वारा एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, यहाँ पर जो भी ऑफकॉम कहेगी। जब तक ये आपने किए की माफी नहीं मांगते हैं हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये लोग सब
छोटा सा टुकड़ा रहा तो वो भी खराब सा, फिर भोगता रहता है जी, पूछ भी लाता है। अच्छा, बहुत अच्छा इलाता है, ये ले लो आप। तो ये अपनी मर्जी से तो अभी निकल जाएगा, फिर अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोलता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, आप जो कहेंगे ना वही भोगता रहेगा, ये थकता नहीं है, इसकी यह खासियत है। अच्छा अच्छा, गजब का कुत्ता है, इस नस्ल के तो बहुत कम कुत्ते बच्चे हैं, ये तो है ही ऐसा। इसके अलावा और कौन कौन सा कुत्ता है जी? ये जो कुत्ता है ना, ये छिनूज, ये भी गजब का है, ये इसकी बराबरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें कंपटीशन है, ये भी मतलब भोंकता है, इतना भोंकता है, इतना भोंकता, ये झूठ भी बोलते हैं सारे। अच्छा, बहुत झूठे हैं, झूठ बोलने वाले एक नंबर के झूठे हैं। ऐसे तो नहीं है मेरा खेत बेच देंगे, मुझे बोलते रहेंगे खेत अभी भी है, खेत अभी भी है। देखो ये विश्वास है, इसकी गारंटी नहीं है, पर कुत्ते बेच रहे हैं, खेत नहीं, ये खेत बेचते तो बेचेंगे। अच्छा, खेत नहीं बचा सकते इनके भरोसे, खेत नहीं छोड़ना, ये तो मैं पहले कह देता हूँ, ये तो बेच देंगे पीछे से, इन्होंने देश बेचने की तैयारी कर रखी है, आपका तो खेत है छोटा सा। मोमल्ला भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत भोंकते हैं, रात को घट भोंकते, दिन में ज्यादा बोलते हैं। तो इन कुत्तों को चुप करवाने आए हो क्या यहाँ पे आप? हाँ, इन्हें चुप करवाने आए हैं। अच्छा, पूरे इन्हें को चुप करा के जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये कुत्ते डर जाएंगे सब? हाँ, डरेंगे। अच्छा, जनता जरूर डरेंगे, सारा हिंदुस्तान का डरेंगे। आप इसके साथ कोई भी फ्री ले सकते हैं, इसके साथ एक के साथ एक फ्री लीजिए। लेकिन घर में ऐसे झूठे दो कुत्ते रख लिए, हाँ, उसे हमको तो नुकसान नहीं हो जाएगा जी? ये नुकसान किसी का नहीं करेंगे, ये तो खाली झूठ ही बोलते रहेंगे। अच्छा, झूठ से नुकसान हो जाएगा वो, मतलब जो भी ये बोले उसका उल्टा समझ लें। हाँ, ये करना, ये भोके ना तो आप सोच लीजिए कि चोर आया नहीं है। अच्छा, ये जब तुम हो जाए तो सोच लीजिए कि चोर आ गया, ये चोर आएगा तो नहीं भोकेंगे। अच्छा, आपके खेत में अगर कोई पशु घुस गया तो नहीं भोकेंगे, ये तो अकेले ही शेर बने बैठते हैं, सामने बिल्ली भी दिख गई ना तभी डर जाएंगे, डरपोक में। अच्छा, लेना क्या? नहीं नहीं साहब, भरोसा नहीं है इस कुत्ते मेरे को। ऐसे ग्राहक आते हैं, चार कुत्ते लेके बैठे, वही नहीं बिके।